भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के प्रति, अपने यहाँ की जनता के प्रति खड़े खड़े नौजवान बंधु यात्री बैठ जाए या थोड़ा साइड हो जाए, क्योंकि पीछे पीछे बैठे हुए सब लोगों का दर्शन हो जाएगा। मित्रों, आज सरदार अमरीक सिंह जी के निवास पर योजना तो ये बनाई गई थी कि चाय का कप पीना वहां चलेंगे, लेकिन मुझे ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि भले ही खेतों में लहराते खेत इनके बीच में अपने डेरे पर इतनी बड़ी संख्या में अमरीक सिंह जी ने बुलाया, आप सब लोगों को आपको मिलकर के देख करके बहुत प्रसन्नता हुई है। यहाँ के सरपंच हमारे नसीब सिंह जी बहुत बार मिलते रहे हैं, इन्होंने एक मांग रखी है उसका पता करा लेते हैं कि कैसे होता, कोई पुल की बात बता रहे हैं उसको भी एक बार उसकी फिजिबिलिटी देख करके, और अगर उसकी आवश्यकता तो खैर है ही है लेकिन वो कितना बनना संभव है उसको भी पूरा करा दिया जाएगा, तो इसलिए पहली बात में ये कहना हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी मेयर, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सीनियर सारे ही लोग यहां उपस्थित हैं। आप सब बंधुओं को सबसे पहले तो मैं, आज तीज का त्यौहार है, सावन का महीना, तीज का त्यौहार बहुत ही एक उमंग भरने वाला ये कार्यक्रम है, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। खासतौर पर यह त्योहार महिलाओं का त्योहार माना जाता है और दिन भर तरह तरह के कार्यक्रम, उत्सव, झूले झूलना, सावन के महीने को अपने ढंग से आनंद में मनाना, ये सारे हरियाणा का एक बहुत ही साल गर्भित त्योहार है। मित्रों, जैसा अपने को जानकारी है कि 2014 और किस प्रकार से फिर 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल इतना जल्दी जल्दी बीत गए हैं कि लगता है कि कल ही 2014 था। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, 2014 के दिए हुए स्नेह को जब याद करता हूं तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है। अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल में हमको उसी प्रकार के सिस्टम में से निकलना पड़ता है, जैसे 2014 में पहली बार आप लोगों ने मुझे यहां विधायक बनाया, सब विधायकों ने, पार्टी हाईकमांड ने मुझे एक जिम्मेवारी दी, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी के बाद मुझे कम से कम ये संतोष है कि जो बातें मेरे सामने आई, चाहे वो विकास की हैं, चाहे जन जागरण की हैं, चाहे लंबे समय को देखते हुए समाज निर्माण की बातें हैं, विषय गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन हमने भरपूर जनता की सेवा करने का अपना प्रयत्न किया है। लेकिन कितना ही कर लो फिर भी मन में कुछ ना कुछ कमी किसी को खटक जाती है कि हाँ ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। ऐसा माना जाता है राजकाज के सिस्टम में कि अगर 20 काम है, 19 हो गए और एक नहीं हुआ तो लोग 19 की चर्चा नहीं करेंगे, किसकी करेंगे, उस एक की करेंगे, ये क्यों रह गया, ये हमको मालूम है। लेकिन हम क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो सरकार के समर्थन में खड़े हैं, उनको 19 भी याद जरूर रखने चाहिए, और जो लोग हमारे साथ अभी नहीं लगे, मान लो अभी भी कोई हमारा विरोधी कोई अपने ध्यान में आता है, उसकी बात सुन करके वो जो एक नहीं हुई वो सुननी है, उसको भी करना है, लेकिन 19 जरूर याद करा दो कि ये भी किए हैं हमने। मैं अभी इस रास्ते पर आ रहा था तो मैंने कभी ये सड़क तो पहले कभी आया तो फड़ंजे की सड़क थी, अब ये पक्की हो गई, फिर भी पहले जरा गाड़ी उबड़ खुबड़ करके आती थी, अब सरपट से यहाँ गई। अब मैं तो आ जाया हूँ, लेकिन आप लोग तो हर दिन यहाँ आते जाते हैं,
पूरे इलाके के लोगों को इसका लाभ हुआ है और भी जितने काम इलाके के पूरे कंस्टिट्यूंसी के जितने आपने मुझे बताए सारे मैंने कोशिश की है। अब इतना निवेदन जरूर है कि अब आगे सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। इस 2 महीने में मैं ध्यान कर रहा था कि आज 3 तारीख मैंने एक समय पूरे दिन का निकाल लिया करमाल कंस्टिट्यूंसी के लिए, लेकिन आगे लगातार एक एक दिन चुनाव तक वो सारे ही व्यस्त बने हुए हैं। अब जो कि केवल कंस्टिट्यूंसी का कार्यक्रम जिम्मे होता तो मैं लगातार बराबर ही आता जाता रहता, लेकिन काम आपने पूरे हरियाणा का दे दिया है और हरियाणा में भी एक टारगेट रखा है कितना 75+। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि चुनाव के समय में यहीं लगातार आता रहूं या हरियाणा में 75+ का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए प्रदेश में जाना पूरे हरियाणा में तो इसका मतलब यह है कि आप लोग सहमत हैं कि चुनाव तक अगर मैं नहीं भी आया यहां आप सब मिलकर के हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति मनोहर लाल बन करके आगे काम करेगा ऐसा विश्वास कर लूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रदेश भर में वैसे तो जो समाचार मिल रहे हैं वातावरण अच्छा है, फिर भी चुनाव होता है और चुनाव में सब जगह जाकर के सबकी बात सुनना सबके सामने अपना विषय रखना और फिर जो परीक्षा आएगी अक्टूबर के मध्य में लगभग उसमें अच्छे अंकों से पास होना हर विद्यार्थी चाहता है, तो अपनी भी इच्छा है कि अच्छे अंक से पार हो और हमने उसका एक टारगेट भी रख लिया। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में जाने के लिए हाँ यहां भी बीच बीच में जब कभी बाकी कार्यक्रम होंगे यहां मैं आता रहूंगा। एक बार अपनी यात्रा भी आएगी 18 अगस्त से चलेगी और यहां 22 अगस्त को करनाल में एक कार्यक्रम उस यात्रा के साथ होगा, मैं तो रहूंगा ही और भी जो नेता हैं वो सब आएंगे। तो शहर में कहीं भी उस सभा का आयोजन होगा आप लोग उस समय आएंगे, मैं आपके दर्शन करूंगा। जो रूट होगा उस रूट में तो जगह जगह बाकी जगह भी लोग आएंगे तो उनसे ही मिलना हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को मैं रखते हुए आप लोगों का फिर से मैं आभारी भी हूं और शुभकामना भी करता हूं आह्वान भी करता हूं कि आगे इस जैसे हमने लोकसभा में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और देश भर में एक नाम कमाया कि 6 लाख से ऊपर जीतने वाली सीटों में देश भर में करनाल का 2रा नंबर आया है। करनाल लोकसभा ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, इसी प्रकार के रिकॉर्ड आप बनाते रहें और कभी की कोई भी आपको दिक्कत तकलीफ है तो यहां अपने जो कार्यकर्ता हैं आपके सरपंच हैं नसीब सिंह जी अमरीक सिंह जी, आपके यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं आपके जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर मेयर हैं या ये कॉर्पोरेशन में आता है तो ठीक है यहाँ पर सरपंच हैं। तो इस नाते से जो भी आपकी दिक्कत तकलीफ कठिनाई है आप इनको बताते रहें मेरे पास पहुंचती रहेगी उसमें सबको ठीक करूंगा। अंत में आपको एक निवेदन और करना है कि कल सिरसा में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां जयंती वर्ष जो सारे देश भर में मनाया जा रहा है उसको हरियाणा में भी एक राज्य स्तर का जो कार्यक्रम है उसको करने की योजना बनाई है। जैसे कुछ समय पहले हमने श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल कार्यक्रम यही किया था करनाल में, उसी प्रकार से इस बार 550 साल श्री गुरु नानक देव जी का जयंती वर्ष सिरसा में कार्यक्रम होगा। आपको सूचना हो गई होगी फिर भी आप आज जैसे मैं बता रहा हूँ बड़ी से ज्यादा संख्या में अपने वाहन करके यहाँ से सुबह सुबह चले ताकि 10, 10:30, 11 बजे तक हम सिरसा पहुँच सके, इसकी योजना बनाए। मैं भी करवा रहूंगा आपके दर्शन में अवश्य करूंगा। आप यहाँ आए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात की और जानकारी, अभी मुझे जो ध्यान कराया हमारे यहाँ के
संयोजक अशोक सुखीला जी ने आजकल पार्टी का नई मेंबरशिप का कार्यक्रम चल रहा है। अब मैं तो आपको केवल यहाँ एक आह्वान कर सकता हूँ कि हमारे में से जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर विधिवत नहीं बने हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता जब आए आपके पास उनके माध्यम से मेंबरशिप जरूर करा लें। उसका आसान तरीका तो ये है कि अपने आप अगर बनना हो ना भी कोई आए तो अपने मोबाइल फोन से एक मिस कॉल कर दें। मिस कॉल का नंबर है 8980808080। बहुत आसान नंबर है, पहले 89 फिर चार बार 80 80 80 80 यानी 80 80 80 80। इस नाते से उस पर मोबाइल पर मिस कॉल करें, आपके पास एक संदेश आएगा, एक SMS आएगा, उसको आप खोलिए, उसके अंदर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना सारी चीज भर दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए, मेंबरशिप हो जाएगी। और नहीं तो पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, उनके हाथ में पर्ची होगी, 5 कार्यकर्ता की ड्यूटी आज यहाँ लगा दी है। तो अभी जो मेंबर नहीं बने हैं चाय भी पीते रहेंगे और साथ में मेंबरशिप भी अपने कराते रहे। मेरे कल मेंबरशिप का शुल्क तो नहीं है ना? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो मेंबरशिप मुफ्त की मेंबरशिप है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग मेंबर बनेंगे तो आपको भी स्वाभिमान होगा, रसीद आपके पास आएगी, उसको आप रखेंगे तो आपका प्रमाण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद।